तो नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं इटली के एक गांव में, खास बात है एक जो गांव है ना ऐसे पहाड़ों के ऊपर मतलब बसा हुआ है और यहां पे बहुत सारे मतलब खेती बाड़ी के सामान हुआ और भी मतलब 250-300 साल से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जल्दी। तो देखिए इस वीडियो में ना इस गांव में कौन कौन से फल और फूल के पौधे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इटली में पहाड़ों जैसे हाई एल्टीट्यूड पे कौन कौन से पौधे उग सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग अंगूर देख सकते हैं ऐसे लगा हुआ है और वाह क्या अंगूर ऐसे हैं यहाँ पे, वाह बहुत अभी कच्चे कच्चे अंगूर हैं। तो इसको शायद ये भी शायद मतलब टोटली बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड है क्योंकि इसका जड़ मुझे वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते इसका जड़ है, यहाँ से बारिश के पानी पे डिपेंड है। कितने सारे मतलब फल लगे हुए हैं कोई खाने पीने वाला नहीं आता। अंगूर जब पकेगा तो हम लोग शायद नहीं रहेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अंगूर को देख के ऐसे। तो इटली में मतलब वाइन वगैरह बहुत बनते हैं तो ऑरिजिन बोल सकते हैं वाइन का, तो अंगूर की बहुत मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है वाइन वगैरह बनाने में। और फिर यहाँ पे कुछ पुराना सामान वामान रखा हो गया है। फिर तो ऐसे घर के पीछे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मतलब फल के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं अभी। तो इसमें खास बातें हैं ना, इसमें घंटी लगा हुआ है हम लोग देख सकते हैं। और किस चीज़ का पेड़ है ये, शायद पियर का है, पियर का कोई वैरायटी है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पीच का है, इसमें भी घंटी लगा हुआ हम लोग देख सकते हैं। और इसमें पीच का फल भी है इसमें। तो एक्चुअली हम लोग पूछे मतलब घंटी क्यों लगाए, तो एक्चुअली यहाँ पे जंगल वगैरह है तो बहुत से मतलब जानवर वगैरह आते हैं, तो अभी छोटा पेड़ है ऊपर से फल लगे हुए तो लोग डैमेज करते हैं। ऐसे घंटी रहेगा तो घंटी बचाएगा पेड़ों को, सेव करेगा, इसीलिए यहाँ पे घंटी लगा के रखे हैं, तो अच्छा जुगाड़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पत्ता गोभी वगैरह कैबेज वगैरह लगाए हैं सब, मतलब यहाँ पे पूरा रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं चेरीज हैं, वाह कितने अच्छे से चेरीज हैं सब पके हुए हैं ऐसे हैं जंगल में, तो कोई भी तोड़ के जितना मर्जी उतना खा सकते हैं हम लोग। तो चलिए एक चेरी ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है चेरी यहाँ का, इसको ट्राई करते हैं। अभी शहर के लोग रहेंगे बोलेंगे धो के वॉश करके खाओ वगैरह, अभी हम लोग गांव के हैं बस पेट से तुरे ऐसे खा लिए, नेचुरल चीज़ें में कोई बात नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये वाइल्ड वाला चेरी है, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता वो चेरी नहीं है क्योंकि इसमें से सोरनेस टेस्ट आ रहा है और वो उतना टेस्ट नहीं है जितना कि जो मार्केट में मिलता है, क्योंकि मार्केट वाला खाया बहुत ही अच्छा रहता है वो चेरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गार्डनिंग वगैरह हुआ है, वो भी मतलब नेचुरल तरीके से देख सकते हैं, नीचे लकड़ी का सूखा हुआ लकड़ी का उसका वो पॉट टाइप बना दिए उसी में से रखे हुए हैं। एक छोटा सा प्लांट है पेटूनिया जैसा फ्लावर्स दिखते हैं इसके, लेकिन ये पेटूनिया नहीं है, ये कैलीब्राकोआ है, पेटूनिया जैसे पेटूनिया का भाई बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग लकड़ी वगैरह देख सकते हैं रखा हुआ है, और ख़ास बात यह है कि इस पर जो रखा गया है ना ये इतना साल पुराना है, इसमें टायर वायर नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं पूरा लोहे का है और इसको लोग प्रिजर्व करके रखे हैं, ये खास बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी जो अपने यहाँ गाँव में मिलती है अक्सर, हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए फिर कहीं पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज करते हैं लकड़ी का। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अपना मैंडवेला का फ्लावर्स है, और यहाँ पे फिर हाइड्रेंजिया का है पॉट में से रखा गया, वो भी मतलब देख सकते हैं लकड़ी के बॉक्स में रखा गया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शायद ये कुछ कालनचोए का कुछ प्लांट लग रहा है, वहाँ पे मैरीगोल्ड है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्राइसेंथेमम दिख रहा है, वो भी देख सकते हैं पॉट जो है पूरा नेचुरल तरीके से वुड का बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे छोटा सा पेटूनिया देख सकते हैं हम लोग, एक्चुअली पेटूनिया नहीं है वो कैलीब्राकोआ है। और यहाँ पे अपना जेरानियम जो कि, और यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी इसमें डाले हैं ताकि नेचुरल फर्टिलाइजर जैसा काम करे। और ये भी जेरानियम को हम लोग देख सकते हैं मतलब ऐसे अच्छे पॉट में सजा के रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर इस घर के पास हम लोग देख सकते हैं अपना कॉमन हॉली हॉक है जो कि इवन इंडिया में भी ग्रो करता है, बहुत अच्छा प्लांट है, ऐसे
इसके फ्लावर्स आते हैं बड़े बड़े रोज के जैसे रहते हैं, बड़े बड़े पत्ते रहते हैं। और आप लोगों को इधर लेके चलता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ ग्रेप्स के पौधे देख सकते हैं, रोज़ का पौधा है। और यहाँ पे जो ख़ास बात है ना, वो रोजमेरी की है, सॉरी लैवेंडर की है। तो ऑलरेडी मैं लैवेंडर के बारे में बहुत सुना था लेकिन मैं कभी भी फिजिकली नहीं देखा था, तो आज मैं लैवेंडर को देख रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ख़ास बात है ना, इतना बीस अट्रैक्ट करता है, बीस और जितने भी मधुमक्खियाँ होंगे और फिर बहुत से मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट्स हो गए, हम लोग देख सकते हैं जगह जगह पे पूरा, मतलब इतना। अगर आप हनी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, हनी वगैरह, तो लैवेंडर बेस्ट प्लांट रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट हनी सोर्सेस के लिए अगर हमको करना है तो लैवेंडर लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक अपना जो नीरियम रहता है, और यहाँ पे नीरियम भी एक अच्छे से दिख रहा है फ्लोरिंग कंडीशन में। यहाँ पे एक अगेव देख सकते हैं हम लोग, अगेव भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना सद पोर्चुला का टेबल रोज बोल सकते हैं इसको, और इसको मतलब ऐसे पत्थरों के बगल में लगा दिया गया है क्योंकि रॉक गार्डन जैसा दिख रहा है। और फिर यहाँ पे अपना क्यूप्रेसिस है जो कि यूरोपियन में बहुत ही फेमस है। और फिर यहाँ पे कुछ बीन्स टाइप है जो हम लोग गांव में वगैरह खाते हैं, हम लोग देख सकते हैं बीन्स, एक ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा से सजा के रखे हैं, मतलब ऐसे जो नहीं रहता है मिट्टी वगैरह ले जाने के लिए उसी में, इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे पेटूनिया जो कैलिब्रो का था स्मॉल वाला सूख गया है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बिगोनिया का प्लांट रखा हुआ है इन्होंने। और फिर बस वही है, नीरियम का है बिगोनिया और कैलिब्रो का। तो देख सकते हैं मतलब यहाँ पे भी नीरियम ग्रो करता है और बिगोनिया जो कि अपने यहाँ भी ग्रो करता है, अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे हम लोग तूजा देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट है अभी तूजा का। और फिर आपको मैं इस साइड लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे रोजमेरी है जो कि बहुत ही मतलब एक हर्ब है, तो स्पेशली इसको ग्रो करने के लिए हमारे इंडिया में उतना हर जगह नहीं ग्रो करते, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बिना पानी वानी के वाइल्ड प्लांट जैसे ग्रो कर रहा है। और फिर इधर लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटीफुल जो अपना पॉपी प्लांट का फ्लावर्स है, ये ग्रास है। यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, और इस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में देख सकते हैं ये प्लांट, पता नहीं कौन सा ये सकुलेंट्स है, आराम से इसे ग्रो कर रहा है। वाह, सिर्फ वहाँ पे ज्वाइंट एक छोटा सा है और फिर पानी का सोर्स पाता है और फिर ऐसे ग्रो करता है। तो चलिए और इधर लेके चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं घास वगैरह यहाँ पे जानवर के लिए, गाय के लिए खाने पीने के लिए, यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे कुत्ता है वो जो हम लोग रस्सी देख सकते हैं, तो मैं इधर नहीं जाऊँ क्योंकि कुत्ता बहुत डेंजर है, तो इस रास्ते से मैं चलता हूँ। तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे रखा हुआ है पुआल वगैरह। और कुत्ता किधर है, तो वहाँ पे देख सकते हैं जो कुत्ता है बहुत ही डेंजर है, किसी को आने नहीं देता है, इसीलिए मैं छुप के हूँ इधर। कुछ कटिंग करने का मशीन है सर, घास उस कट करने के लिए, बहुत ही डेंजर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे ग्रेप्स अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे अंगूर के हैं, ये भी घर मतलब अबंडेंट ही बोल सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे कुछ फिग, जो अपने के यहाँ फिग नहीं रहता है, अंजीर, तो अंजीर के पेड़ देख सकते हैं, इस पर फल लगे हुए, बड़े बड़े से फल लगे हुए हैं अंजीर के। और इसके ऊपर जो है लोक्यूट का है, वो शायद मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, वहाँ पे हम लोग जूम करता हूँ मैं, देख सकते हैं वहाँ पे लोक्यूट जो कि येलो कलर का फ्रूट रहता है, लोक्यूट वो है। तो ये अंजीर अभी शायद पका हुआ नहीं है। पेड़ देख सकते हैं 21 चीज़ का पेड़ है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, शायद मेरे ख्याल से, अगर मुझे मालूम चला, मैं फ़ोटो ले रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा क्यों। और फिर इधर से प्राइवेट सेम, हमारे गांव में भी ऐसे मतलब रोड रहता है बिना कंक्रीट वगैरह का, तो वहाँ पे देख सकते हैं कोई लेडीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं फार्मिंग, और मैं भी उनके पास नहीं जाऊँगा शायद, अगर मुझे वो रिकॉर्ड करने ना दें। तो हम लोग शायद मेरे ख्याल से आलू है, तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो लेकिन यहाँ पे लोग आलू ग्रो कर रहे हैं और फिर यहाँ पे टमाटर की खेती हो रही है।
तो इस एरिया में आलू और टमाटर ग्रो कर सकते हैं आराम से। तो हम लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे घास है, उसको काट के ऐसे रखा दिया है सूखने के लिए। जब सूख जाएगा तब उसको अंदर लेके आएंगे। और फिर वहाँ पे देख सकते हैं जो वाइट पीला पीला सा ब्राउन दिख रहा है, वो पूरे मतलब गेहूँ की खेती है।